नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। मुहर्रम की नौवीं पर कई इलाके से तिरंगे के साथ निकाला गया खारा जुलूस, पारंपरिक हथियार के साथ युवाओं ने दिखाया कर्तव्य। मुहर्रम को लेकर जिले भर में दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, असामाजिक तत्वों पर पुलिस की है पैनी नजर। पांच दिन बाद निगम कर्मचारियों ने तोड़ी हड़ताल, जलापूर्ति व्यवस्था हुई शुरू। कर्माधर्मा पर्व को लेकर तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबकर हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। और माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा, चार अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए रुपए बरामद। और अब खबर विस्तार से। मुहर्रम की नवी तारीख को लेकर विभिन्न मोहल्लों से अखाड़ा जुलूस निकाला गया। खंजरपुर, इसाकचक, फतेहपुर, इस्लाम नगर, साजंगी, मौलाना चक समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों से निशान जुलूस लेकर लोकसराय स्थित सैयदना मुर्तजा अली इमामबाड़ा पहुंचे और फातिया पढ़ा। इसके बाद अखाड़ा दोपहर होते होते अपने इलाके में लौट गया। अखाड़ा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं सराय के हजरत लाल खां दरगाह के समीप विभिन्न मोहल्लों के अखाड़ा में शामिल लोगों ने सीपल, तरवाल, फरसा, लाठी और ढोल ताशे के साथ जमकर कर्तव्य दिखाया। युवाओं ने लाठी खेलकर अखाड़ा देखने आए लोगों को रुकने पर मजबूर कर दिया। साथ ही मुहर्रमी धुन पर कई प्रकार के पारंपरिक कर्तव्य दिखाए, जबकि मुहर्रम कमेटी के सदस्य अखाड़ा को आगे बढ़ाने में व्यस्त दिखे। निशान जुलूस में कई स्थानों पर लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा भी दिखा। आइए हम आपको दिखाते हैं अखाड़े की कुछ झलकियां। मुहर्रम को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए। विभिन्न चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैरामिलिट्री, सशस्त्र बलों के साथ पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती प्रत्येक चौक चौराहों पर थी। ताजिया जुलूस गुजरने के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थे। सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद सिटी SP सुशांत सरोज, सिटी DSP राजफन सिंह कर रहे थे। ताजिया जुलूस के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल में भी पुलिस जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। ततारपुर, साजंगी, पुर, मौलाना चक, खंजरपुर इलाकों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। भागलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने मुहर्रम को लेकर अपना हड़ताल तोड़ दिया है, जिससे शहर की सफाई और जलापूर्ति व्यवस्था सोमवार की शाम से सुचारू हो गई। दरअसल बिहार निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर थे, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई थी। सोमवार को मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने स्वास्थ्य प्रभारी एवं सफाई कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए अपना समर्थन दिया और त्यौहार को देखते हुए हड़ताल वापस लेने की अपील की, जिसके बाद निगम कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। बांका में कर्माधर्मा पर्व को लेकर तालाब में स्नान करने गई दो बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। घटना को लेकर पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक बच्चियों की पहचान रजौन निवासी विजय यादव की 16 वर्षीय पुत्री स्वाति कुमारी और मनोज यादव की 13 वर्षीय पुत्री अर्चना कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रविवार को कर्माधर्मा पर्व को लेकर गाँव की कुछ बच्चियों के साथ नहाने के लिए तालाब गई थी, जहाँ गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद दूसरे बच्चियों ने दोनों को डूबते देख शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों बच्चियों के शव को तालाब से निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बांका में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से दिन दहाड़े 1,40,000 रुपए लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बांका पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधी को लूटे गए रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। बांका SP अरविंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। SP ने कहा कि 6 सितम्बर को कटोरिया के चोरकोल के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। SP ने कहा कि टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए लूट की घटना में शामिल महेश कुमार, राजीव कुमार, राकेश यादव और दिनेश यादव को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 20,000 रुपए और मोबाइल बरामद किया है।
लगभग 2:30 बजे कटोरिया रोड में 4 अपराधकर्मियों के द्वारा दो मोटरसाइकिल पर सवार मुख्य मार्ग से अंदर कच्ची सड़क पर रास्ते में जाने का क्रम में रोककर उनसे 1,43,000 रुपये रोक लिया गया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, घटनास्थल पर पहुँचकर उसका पीछा किया गया। इसी क्रम में जिस मोटरसाइकिल से घटना की गई थी उसका नंबर खोल लिया गया था, उस नंबर को कसते हुए उस आदमी को पकड़ लिया गया। उसके पास से जो कपड़ा जिससे मुंह ढककर लाल रंग के कपड़ा से मुंह ढकने की बात आई थी वादी द्वारा बताया गया, और उस कपड़ा को बरामद किया गया, मोबाइल नंबर प्लेट को बरामद किया गया और मोटरसाइकिल को बरामद किया। उसके बाद उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में उसने घटना में सहायता स्वीकार की और फिर अन्य साथियों का भी नाम बताया तो उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके द्वारा भी जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो भी मोटरसाइकिल मिला, यानी घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल और दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुहर्रम को लेकर भागलपुर असानंदपुर स्थित बड़ा इमामबाड़ा से रविवार की शाम अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों ने या हुसैन या अली के नारे लगाकर मातम किया। सिया समुदाय के गढ़ माने जाने वाले असानंदपुर इमामबाड़ा से निकाले गए मातमी जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। वहीं देर रात अलम जुलूस वापसी के बाद लोगों ने लहकते हुए अंगारे पर चलकर मातम मनाया। सिया समुदाय के लोगों ने अली नवाब के इमामबाड़ा के समीप नंगे पैर दहकती आग के शोलों में चलकर मातम किया और या हुसैन की सदा लगाई। वहीं सिया यूथ कमेटी के सचिव सैयद रागिफ हसन और सिया वक्फ कमेटी के सचिव सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहां से अलम का जुलूस निकाला जाता है, जबकि मौलाना फजले हसन ने कहा कि मुहर्रम की 8वीं पर आग पर मातम का उद्देश्य हुसैन के गम और करबला की जंग को याद करना है। मुहर्रम की 8वीं तारीख को जो आग पर मातम हुआ, हुसैन के गम में चाहने वाले ने मातम किया और आग के अंगारे पे चले। यह आग पर मातम उन प्यासों की याद में है जो इमाम हुसैन सलातुल्लाह उनके छोटे छोटे बच्चे जवान बूढ़े सब 3 दिनों की भूख और प्यास में दुश्मनों के हिफाजत के लिए उन्होंने जो खेमे लगाए थे उससे चारों तरफ आग अंगारे पैदा किए थे, लकड़ियां जलाई थी, अंगारे बनाए ताकि दुश्मन आ न सकें और बच्चे औरतें महफूज रह सकें। बस उसी याद को आजा करते हैं हर साल ये मातम दारा ने हुसैन के चाहने वाले। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीरपैंती पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब तस्कर की पहचान सदानंदपुर निवासी अमित उपाध्याय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पीरपैंती पुलिस को झारखंड से शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने दुबोली मोड़ के पास झारखंड की ओर से आ रहे टाटा मैजिक की तलाशी ली। जांच के दौरान मैजिक में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त करते हुए शराब तस्कर को जेल भेज दिया है।
भागलपुर के घोगा पंजवारा हाईवे प्रोजेक्ट के प्लांट में कार्य कर रहे मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सनहौला घोगा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। मृतक मजदूर की पहचान सोनू डी गांव निवासी मंटू मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तारर स्थित प्लांट में मृतक मजदूर कार्य कर रहा था, जहां उसे चोट लग गई, जिसके बाद आनन फानन में मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही वीडियो अरविंद कुमार सनहौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मुआवजा की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद एसएस कंपनी के इंचार्ज ने मृतक की पत्नी को 2 लाख रुपए सहायता राशि दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। मुहर्रम को लेकर जिले भर में कई स्थानों पर विभिन्न पूजा कमेटी, मुहर्रम कमेटी और सामाजिक संगठनों की ओर से जल सेवा शिविर लगाया गया। भागलपुर सराय रोड में रेड स्वास्तिक सोसाइटी की ओर से लगाए गए जल सेवा स्टॉल का उद्घाटन राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन ने किया। कहकशा परवीन ने मुहर्रम को आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। मौके पर सोसाइटी के जावेद तकी, प्रकाश चंद्र गुप्ता, मोहम्मद बाबर अंसारी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मंदरोजा दुर्गा मंदिर परिसर के समीप दुर्गा पूजा समिति और केंद्रीय काली महारानी पूजा महासमिति की ओर से जल सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में समिति के सदस्यों ने पैकरों और आमजनों के बीच शरबत पानी का वितरण किया। समिति के सदस्यों ने लोगों का स्वागत करते हुए अखाड़े को शांतिपूर्ण तरीके से ले जाने की अपील की। वहीं केंद्रीय काली पूजा महासमिति के धूरी यादव ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सभी समिति के सदस्य सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। मौके पर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, अनिता सिंह, अभय घोष, सोनू जयनंदन आचार्य समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं भागलपुर के सराय रोड में नौजवान कमेटी की ओर से जल सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें अखाड़ा के साथ आए लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। इस अवसर पर नौजवान कमेटी के मोहम्मद इम्तियाज, आशिक नौसाद समेत कई लोग मौजूद थे। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसकी 10वीं तारीख को आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि आशूरा के दिन ही हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। वहीं मुहर्रम को लेकर भागलपुर जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि आज लोग मुहर्रम का असल पैगाम भूल गए और इसे जश्न के रूप में मनाने लगे, जबकि इस्लामी दृष्टिकोण से मुहर्रम जश्न का त्यौहार नहीं है। मौलाना फारूक नदवी ने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, साथ ही असहाय लोगों की सेवा करनी चाहिए। मुहर्रम का असल पैगाम यह है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पूरे कुंबे के साथ शहीद हुए, तो उसकी हकीकत को मालूम करना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए अपने कुंबे के साथ शहीद हुए कि इस्लाम का कोई कानून उसको ख़त्म किया जा रहा था, उस कानून को बाकी रखने, ज़िंदा रखने के लिए खुद शहीद हुए, पूरे कुंबे को शहीद कराया। लिहाजा असल पैगाम तमाम मुसलमानों के लिए यह है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शहादत के इस मकसद को समझें। इसके अलावा जो कुछ आज लोग कर रहे हैं, ढोल ताशे बाबैला, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इससे हमको पूरे तौर पर परहेज करना चाहिए। आज के दिन जो कुछ अगर मशहूर रिवाज के बुनियाद पर करने का है वो ये कि आदमी 9 और 10 का रोज़ा रखे, अगर 9 कोई नहीं रख सकता हो तो 10 और 11 का रोज़ा रखे, तिलावत कर ले, नमाज पढ़ ले, और सही सिर्फ ये है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हकीकत को मालूम करें, उनके पैगाम को मालूम करें और उसकी बुनियाद पर दीन पर कायम रहते हुए दीन को पहुंचाने और बुराइयों को मिटाने की कोशिश करें, यही हजरत हुसैन के शहादत का पैगाम है। भागलपुर में वर्षों से पारंपरिक तरीके से मुहर्रम का त्यौहार आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाता है। वहीं मुहर्रम को लेकर कई स्थानों पर ताजिया निर्माण भी होता है। कोतवाली चौक, बड़ी इमामबाड़ा और मौलाना चक मैदान में बनने वाला ताजिया हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। कोतवाली इमामबाड़ा में बन रहे ताजिया को अंतिम रूप देने में कारीगर दिन भर लगे रहे। ताजिया पर नक्काशी कर रहे बंगाल के कारीगर सतीश और स्थानीय मोहम्मद नसीम ने बताया कि देर रात तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। वहीं इमामबाड़ा कमेटी के मोहम्मद सल्लो ने कहा कि सभी के सहयोग से प्रत्येक साल ताजिया निर्माण होता है। ताजिया के लिए पुष्टों से मेरी आ रही है, मेरी 3 पुष्ट खत्म हो चुकी है। ये ताजिया 9 तारीख को जाती है किला घाट पर, मनोजा कोतवाली होते हुए मनोजा सराय से किला घाट से फिर वापस आती है 4:30 बजे। उसके बाद 2:35 में दिन में फिर यहाँ से पहलाम होने के लिए मोहल्ला काजवाली चौक, थाना कुटवाली से होते हुए मोहल्ला काजवाली चौक होते हुए कितारपुर हाई मुस्लिम स्कूल, उसके बाद सगंदी जाती है, पहलाम होगा।
वहीं मौलाना चक मियां साहब मैदान में ताजिया निर्माण का कार्य एक माह पूर्व भी शुरू हो जाता है। सोमवार को कारीगर इसे अंतिम रूप देने में लगे रहे। कमेटी के लोगों ने बताया कि मौलाना चक का ताजिया 10वीं को दिन के 3:35 में उठाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में अकीदतमंद शामिल होते हैं। मुहर्रम की 9वीं को लेकर मौलाना चक गद्दी इमामबाड़ा से भी सज्जादा नशीद सैयद शाह मोहम्मद इंतेखाव आलम सहबाजी के नेतृत्व में निशान जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। भागलपुर जिला बिहंगम योग संत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा सुल्तानगंज के मुंशी पट्टी से निकाली गई, जिसमें बिहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनुयायियों ने सर्वेद को सिर पर रखकर नगर भ्रमण किया। इस मौके पर गणेश कुमार, कैलाश आनंद, योगेश सहित बिहंगम योग के सैकड़ों अनुयायी मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। मुहर्रम की 9वीं पर कई इलाके से तिरंगे के साथ निकाला गया खारा जुलूस, पारंपरिक हथियार के साथ युवाओं ने दिखाया कर्तव्य। मुहर्रम को लेकर जिले भर में दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर। पांच दिन बाद निगम कर्मचारियों ने तोड़ी हड़ताल, जलापूर्ति व्यवस्था हुई शुरू। कर्मा धर्मा पर्व को लेकर तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबकर हुई मौत, गांव में मचा कोहराम। और माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट मामले का पुलिस ने किया खुलासा, चार अपराधी गिरफ्तार, लूटे गए रुपए बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।